डियर स्टूडेंट, इजी मैथ्स बाय प्रदीप तिवारी चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक दो वीडियो हम डेली पोस्ट करेंगे। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे फोरियर सीरीज फॉर चेंज ऑफ इंटरवल। अब हम देखेंगे कि अगर इंटरवल हमारा माइनस एल से प्लस एल में गिवन हो, जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू व्हेन माइनस टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू टू। तो हमने ये बताया था कि फोरियर सीरीज से अगर आपको एक्सपेंड करना है और फंक्शन का इंटरवल माइनस से प्लस में है, जैसे माइनस पाई टू प्लस पाई या माइनस एल टू प्लस एल, तो एक बार जरूर चेक करिए कि फंक्शन इवन है या ऑड है। आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाएगी इससे अगर फंक्शन इवन या ऑड निकल जाता है। तो यहाँ पे फॉर इवन और ऑड फंक्शन, हमेशा इवन ऑड फंक्शन चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक्स की प्लेस पे माइनस एक्स पुटअप करते हैं एफ एक्स में। तो यहाँ पे एफ एक्स में जब हम एक्स की प्लेस पे माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू आ जाएगा। तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू है, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा। तो अब देखिए ऑड और इवन फंक्शन के कॉन्सेप्ट में कि एफ एक्स आपका इवन फंक्शन कहलाएगा जब एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होगा। तो यहाँ पे वो कंडीशन हमको मिल रही है, तो सो एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। और जब हमारा फोरियर सीरीज जो है, तो देखिए फोरियर सीरीज फॉर इवन फंक्शन, अगर एफ एक्स हमारा इवन फंक्शन हो जाता है, ठीक है, तो उसमें ए नॉट तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन एल माइनस एल टू एल एफ एक्स डी एक्स, और वो बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से क्या हो जाता है, अगर फंक्शन इवन होता है तो टू अपॉन एल जीरो टू एल और एफ एक्स डी एक्स, और ए एन भी इसी तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, वन अपॉन एल माइनस एल टू एल एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे भी एफ एक्स इवन है, कॉस एन पाई एक्स बाई एल भाई एल भी जो है वो इवन फंक्शन है, तो इवन इंटू इवन का प्रोडक्ट इवन हो जाएगा। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ये भी टू अपॉन एल जीरो टू एल एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई एल हो जाएगा। अब यहाँ पे बी एन पे आते हैं, तो बी एन क्या हो जाता है, माइनस एल टू प्लस एल में वन अपॉन एल माइनस एल टू एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स, एफ एक्स इवन फंक्शन है और साइन एन पाई एक्स बाई एल क्या है, ऑड फंक्शन है। तो इवन इंटू ऑड का में क्या हो जाता है, इवन इंटू ऑड में जो है ये ऑड मिल जाएगा, और ऑड के केस में बी एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी कभी माइनस पाई टू पाई या माइनस एल टू एल का इंटरवल होगा तो बी एन हमेशा जीरो होगा उस केस में, अगर फंक्शन इवन है तो। तो बी एन हमें नहीं फाइंड करना है, केवल हमको ए नॉट और ए एन फाइंड करना है। फोरियर सीरीज हमारी ये हो गई पूरी, ए नॉट अपॉन टू प्लस समेशन एन इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट, ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस समेशन एन इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट, बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। अब इसमें हमें एल भी फाइंड करना है, तो एल के लिए क्या कर लेंगे हम लोग, माइनस टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू टू, इसको कंपेयर करेंगे माइनस एल लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू प्लस एल। तो यहाँ से हमको एल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एल इक्वल टू टू मिल जाएगा। अब ए नॉट पे आ गए, वन अपॉन एल माइनस एल टू एल एफ एक्स डी एक्स, तो ए नॉट वन अपॉन टू माइनस टू टू प्लस टू, और एफ एक्स की प्लेस पे क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू डी एक्स, और जो कि हम निकाल चुके हैं कि ये एक इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन के केस में हमारी प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से क्या होता है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए नॉट टू अपॉन टू। तो देखिए प्रॉपर्टी जो यूज होती है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, अगर फंक्शन इवन हुआ तो ये हो जाएगा, और अगर फंक्शन ऑड हुआ तो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ इवन है तो क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस टू और ये अपॉन टू, फिर क्या जीरो टू टू और एक्स स्क्वायर माइनस टू डी एक्स।
अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, ये टू और ये टू तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो और इसका इंटीग्रेशन होगा आपका एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस टू एक्स लिमिट 0 to 2। लिमिट पुटअप करेंगे तो 2 का क्यूब 8, 8/3 माइनस 2 × 2 = 4, और 0 0 पुटअप करेंगे तो एक्स क्यूब 0 और ये 2x वाला भी टर्म हमारा 0 हो जाएगा। अब 8/3 माइनस 4, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 12 हो जाएगा एलसीएम लेने पे, तो 8 − 12/3 दिस मीन्स कि −4/3 हो जाएगा, तो ये आपकी ए नॉट की वैल्यू हो जाएगी। अब हम लोग ए एन फाइंड करेंगे, तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/(l−l2+l) एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स, और एल की वैल्यू क्या थी आपकी 1/(2−2, 2+2), और एफ एक्स क्या है आपका x²−2 और कॉस एन पाई एक्स अपॉन 2 dx। अब यहाँ पे x²−2 हमारा कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, और cos n pi x/2 कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, इवन हो गया। अब इसके बाद बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पे आ जाइए आप। −a to a f(dx) इक्वल टू ट्वाइस 0 to a f(dx) इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन या f−x = f(x) हो। तो यहाँ पे हमें कैसा इंटीग्रेंड मिल रहा है, इवन मिल रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ट्वाइस 0 to 2 x²−2 cos एन पाई एक्स अपॉन 2 dx। तो यहाँ पे अब ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमारा बचेगा an इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 x²−2 cos एन पाई एक्स अपॉन 2 dx। अब हम लोग इसको जो है x²−2 को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, कॉस एन पाई एक्स अपॉन 2 को सेकंड लेंगे, क्योंकि ये वाला अलजेब्रिक है और कॉस एन पाई एक्स बाई 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल है। फॉर्मूला क्या रहेगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट का लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डबल टाइम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू 3 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए एन इक्वल टू, तो फर्स्ट फंक्शन x²−2, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एन पाई एक्स अपॉन 2 अपॉन एन पाई अपॉन 2 माइनस x²−2 का डिफरेंशिएशन 2x, साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन 2 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस, फिर 2x को डिफरेंशिएट कर देंगे तो 2 आ जाएगा, और माइनस तो ऐसे ही रहेगा, कॉस का क्या हो जाएगा साइन एन पाई एक्स अपॉन 2 अपॉन एन पाई अपॉन 2 आ जाएगा, और यहाँ एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 4 है, तो एन क्यूब पाई क्यूब अपॉन 8, और लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 to 2। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें लिमिट पुटअप करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला है साइन एन पाई 0 कॉज एन पाई −1/n साइन 0 0 कॉस 0 1। तो यहाँ लिमिट पुटअप कर दें हम लोग, तो 2 पुटअप करेंगे तो यहाँ पे साइन एन पाई और यहाँ 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एन पाई और वैल्यू 0,
यहाँ पे 2 लगाएंगे तो माइनस 4, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी 2 कैंसिल हो जाएगा तो कॉस एन पाई, मतलब माइनस 1 पावर एन अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 4, प्लस यहाँ पे भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन एन पाई 0 माइनस, अब 0 पुट अप करेंगे तो यहाँ साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे एक्स की प्लेस पे 0 लगेगा तो 0 का मल्टीप्लाई इस टर्म को 0 कर देगा, यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका। अब ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, माइनस माइनस प्लस है और इधर 4 ऊपर चला जाएगा तो 16 माइनस 1 पावर एन अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और बी एन क्योंकि हम बता ही चुके हैं बी एन के लिए कि बी एन आपका यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि फंक्शन क्या था हमारा, इवन फंक्शन था, बिकॉज एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। अब आ जाइए फोरियर सीरीज पे, तो फोरियर सीरीज एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, और आपका एफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू, अब यहाँ पे अब देखिए आपका ए नॉट की वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड की थी, तो ए नॉट की वैल्यू थी माइनस 4/3, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 4/3 प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, और ए एन की वैल्यू कितनी है, 16 माइनस 1 पावर एन अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस एन पाई एक्स अपॉन 2, बी एन 0 ही है यहीं छोड़ देंगे, तो ये हमारा फोरियर सीरीज फॉर इवन फंक्शन हो गया इंटरवल माइनस एल टू प्लस एल में।